अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम्स कम ट्रू, मेरे सामने मेरे बचपन के हीरो हैं और हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिग फैन ऑफ योर सबसे पहले, बहुत शुक्रिया। और मुझे याद है कि मैं जब छोटे होते न्यूज़पेपर पढ़ता था, आपकी कंसिस्टेंसी का बड़ा फैन था। कोई प्लेयर नहीं मैंने देखा जिसने डोमेस्टिक में इतनी कंसिस्टेंसी से स्कोर किया हो। इस ग्राउंड में क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहेंगे, इस पंजाब प्रीमियर लीग के स्कोप के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव है, जितने भी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, न्यू फेसेस हैं, न्यू टैलेंटेड प्लेयर हैं, इसमें शायान रजा, माज लेग स्पिनर, आमिर शेख जूनियर, उस्मान माया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिल रहा है। क्वेश्चन है कि इसमें कोई एज लिमिट है? नहीं, एज लिमिट नहीं है, मगर फिर भी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इन बच्चों का, न्यू फेसेस के टैलेंट, ये पंजाब प्रीमियर लीग हो रही है, इनको मौका मिल रहा है खेलने का। सर, इस ग्राउंड के हवाले से क्या कहेंगे? मैं पर्सनली गुजरांवाला से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ पे नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज बहुत थी। अब यहाँ पे MPMN ने जो हमारा यहाँ पे सियासी कल्चर है, कंसर्ट है, सारा कुछ होता है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि सियासी चीजें जो है पाकिस्तान से दूर हों और क्रिकेट के जो मैदान है वो आबाद हों, और पॉलिटिक्स जो है वो एक अपना चीजें जो है अख्तियार करती है, मगर जो स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता है। जिस तरह से कामरान अकमल, रावलपिंडी, मारखोर के हमारे मेंटोर हैं, वो यहाँ पर आए हैं स्टार प्लेयर और इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स यंगस्टर हैं जो रिसेंटली PCB के U19 डोमेस्टिक और जो पाक सऊदी की टीम है ग्रेड 2 की है वो खेले हुए हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और ये ग्राउंड तो बात पहले से था जब पाकिस्तान टीम यहाँ पर पास में आके खेलती रही, इंडिया की टीम आई है। और आप अगर छोटे थे तो आपके नॉलेज में इजाफा करूं कि सचिन तेंदुलकर का भी यहाँ पर exactly 99 का हुआ है, 96 में मेरा डेब्यू हुआ, फैसलाबाद में हुआ, गुजरांवाला में, उनको मौका दिया जाए। 8 फ्रेंचाइजेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें हर फ्रेंचाइज में डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो PCB के लेवल पे खेल चुके हैं। स्टैंडर्ड क्रिकेट है, क्वालिटी क्रिकेट है। इंशाल्लाह पहला सीजन है, थोड़े हर्डल्स आते हैं, जैसे जैसे सीजन होता रहेगा ये लीग सक्सेस होगी, प्लेयर अच्छे प्रोड्यूस होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे या PSL में आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये लीग जो है अगले साल और इम्प्रूव करेगी। जी, थैंक यू सो मच सर।